इस बीच एक और अहम खबर आ रही है अफगानिस्तान के रण क्षेत्र से। अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, तालिबान का अफगानिस्तान के 90% बॉर्डर पर कब्जे का दावा। देखिए एक और बड़ा दावा कर दिया गया है तालिबान की तरफ से, ईरान तुर्कमेनिस्तान के 100% बॉर्डर पर कब्जे का दावा किया है तालिबानी आतंकियों ने। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा है कि तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर 90% हमारा कब्जा हो गया है। पाकिस्तान बॉर्डर के ज्यादातर हिस्से पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो यह तालिबान की तरफ से बिल्कुल नया स्टेटमेंट जारी किया गया है और उसमें दावा किया गया है, यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से तमाम इलाके अब तालिबान के प्रभुत्व में आते जा रहे हैं। तो ईरान तुर्कमेनिस्तान के 100% बॉर्डर पर कब्जे का दावा किया है तालिबान ने। तो निश्चित तौर पर लग ऐसा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाए, क्योंकि तालिबान यह कह रहा है कि 80% इलाके तो ऑलरेडी हमारे कब्जे में आ चुके हैं, अब नजर काबुल पर है। ऐसे में सत्ता पर काबिज होने को बेताब नजर आ रहा है तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान फुल कंट्रोल की कोशिश में है और लगातार इससे जुड़े हमले सामने आ रहे हैं। बेकसूर लोग भी, आम सिविलियन भी मारे जा रहे हैं। नए नए इलाकों में तालिबानी कब्जे का सिलसिला जारी है और यह रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तालिबान ने कुनार प्रांत के गाजियाबाद पर भी कब्जा कर लिया है, यह भी एक और अहम अपडेट। तालिबान का दावा, यह देखिए 85% अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है, क्योंकि जो बॉर्डर इलाके हैं उन पर भी अब दावा जता दिया गया है कि हमारा कब्जा हो चुका है। और इससे पहले का जो स्टेटमेंट था उसमें 80% इलाकों की बात की गई थी, अब उसे बढ़ाकर 85% कर दिया गया है। बाकी 15% हिस्से को भी हम जल्द जीत लेंगे, ये बड़ी चुनौती अफगानी फोर्सेस को तालिबान की तरफ से दे दी गई है। और तालिबान यह कह रहा है कि अब सिर्फ 15% इलाके जीतना बाकी रह गया है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान से जोड़ने वाले रास्ते पर भी तालिबानी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया है तालिबान ने, यह बड़ा दावा किया गया है। बॉर्डर पोस्ट पर तालिबानी कब्जे से अफगान सरकार को भारी नुकसान हुआ है और आर्थिक नुकसान से सरकार को सरेंडर के लिए मजबूर करना चाहता है तालिबान। यानी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है इस हद तक कि अफगानिस्तान की सरकार मजबूर हो जाए। तालिबान जल्द आयात निर्यात पर भारी भरकम शुल्क शुरू कर सकता है। जी हां, सरकार चलाने की मंशा तो है ही, लेकिन उस दिशा में ऐसा लग रहा है कि अब कदम भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। राजस्व आय पर कब्जा कर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है तालिबान और इसके चलते अफगानिस्तान की सरकार को मजबूर करने की उसकी मंशा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।